हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने J2 2016 फ़ोन में जो उसका स्टोरेज है उसको आप कैसे खाली कर सकते हो लगभग 3 GB तक। जी हाँ दोस्तों, यहां पे दोस्तों मेरा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं अपने फ़ोन को हाथ में ही पकड़ के शूटिंग कर रहा हूँ। तो सॉरी यार अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ वीडियो या अच्छे तरीके से ना आ पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे 2.9 GB फ्री है, यानी कि लगभग 3 GB तक स्पेस एकदम खाली यहाँ पे हो चुका है मेरे फ़ोन का। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपने फ़ोन का सारे डेटा का बैकअप ले लिया और बैकअप लेने के बाद उसको अपने SD कार्ड में डाल दिया और SD कार्ड को निकाल दिया। और निकालने के बाद दोस्तों, मैं इस फ़ोन के सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद वहां पे एक फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन रहता है, उसको मैंने क्लिक किया। यानी कि एक तरीके से दोस्तों आपका फ़ोन का सभी डेटा क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए एक तरीके से आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों हैंग बहुत ज़्यादा करेगा, मेरा बात मानिए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद परेशान था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन को पूरा डेटा क्लियर कर दिया है और चिप लगा दिया। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद सभी डेटा रिस्टोर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं और बहुत आसान तरीके से काम कर रहा है, कोई हैंग या कोई भी ऐसा इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही है वो सिंपल मेथड जिससे आप अपने किसी भी फ़ोन या J2 2016 फ़ोन को ही उसका जो स्टोरेज है उसको आप खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।